मंदसौर के नाहरगढ़ में शिवना नदी पर बने बिल्लौत पुल को पार करते समय बाइक सवार दंपत्ति और दो बच्चे नदी में बह गए। इनमें से एक बच्चे की उम्र महज 4 महीने थी। इन्हें बचाने कूदा युवक भी डूब गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह एक बच्ची को बचा लिया। वहीं गोताखोरों की मदद से महिला और एक बच्चे का शव बरामद किया गया है, लेकिन अब तक बाइक चालक और उन्हें बचाने कूदे युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। सोमवार को मंदसौर के रूपा रेल से सोनू सिंह अपनी पत्नी संगीता, 4 साल और 5 महीने की बेटी के साथ बाइक से नाहरगढ़ की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बैलेंस बिगड़ने से पानी के तेज बहाव में बाइक सहित वो बह गए। चारों को नदी में बहता देख पास में खड़ा बबलू नाम का युवक भी पानी में कूद गया। मौके पर चीख पुकार और बचाने की गुहार लगाने पर भीड़ जमा हो गई। इसके बाद आनन फानन मौके पर प्रशासन व पुलिस की टीम भी पहुंची। हादसे के करीब आधे घंटे बाद घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर मंडोई डैम के पास संगीता और 5 माह की मासूम बच्ची का शव मिला। मंदसौर SP अभिषेक आनंद ने बताया कि हादसे में कुल 5 लोगों के बहने की सूचना मिली है। इनमें से 5 साल की बच्ची सुरक्षित बच गई, जबकि 2 के शव बरामद हुए हैं। लेकिन अब तक सोनू सिंह राजपूत और उन्हें बचाने कूदे बबलू का कोई पता नहीं चल पाया है। बता दें कि मौजूदा लोगों ने मौके का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोटरसाइकिल वो गिर गया, तो उस पर सवार जो थे 4 लोग, उनमें से एक को तो मौके पर जो एक बच्चा था उसको मौके पर निकाल लिया गया, लेकिन उसमें 3 जो लोग हैं उनकी जो है उनका अभी जो पानी में बह गया उनको बचाने के प्रयास में एक व्यक्ति और जो गया था वो भी अभी तक मिसिंग है। तो टोटल 4 लोग जो हैं वो उसमें से 2 लोग जो हैं एक माता और उसके जो है 4 महीने की बच्ची निकाल लिया गया है, बाकी 2 लोग अभी मिसिंग है। राहत और बचाव कार्य जारी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।